अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नाउन। आज हम सीखेंगे कि नाउन एक्चुअली होता क्या है, नाउन कहाँ से बिलोंग करता है, नाउन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन की टाइप्स जो अहम टाइप्स हैं इसकी उसके बारे में हम कुछ जानेंगे, और साथ साथ इंग्लिश सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर नाउन किस जगह पे होगा, हमें कैसे पता चलेगा और कहाँ पर नाउन लगा सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर नाउन्स, के नाउन्स एक्चुअली हैं क्या। तो नाउन्स के बारे में अगर मैं आसान लफ्जों में बिल्कुल बताऊं, कोई भी आपसे पूछे कि नाउन एक्चुअली हैं क्या, तो आप उनको बोलोगे नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी चीज़ के नाम को जो है वो नाउन कहा गया है। तो एक आसान लफ्ज़ों में तो इसकी सिंपल सी दो लफ्ज़ों के अंदर तो यही डेफिनेशन है, नेमिंग वर्ड्स। और कहाँ से बिलोंग करते हैं नाउन, इस बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने नाम सुने पार्ट ऑफ स्पीच का, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अगर वैसे तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर इसके अंदर जो है मैं आपको बताऊँ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा, तो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनसे मिलकर हमारी पूरी इंग्लिश जुबान जो है वो बनी है, और तो उन्हीं के अंदर से नाउन निकल के आया। जैसे कि आपने पार्ट ऑफ स्पीच में सुना होगा कौन कौन से होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, तो ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इन्हीं के अंदर से निकल के आया है नाउन। तो हमें ये पता चल गया नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ वर्ड्स हैं एक किस्म के। और अगर मैं ये बात करूँ कि नाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है जल्दी से, तो नाउन को पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से लिखना चाहते हैं, फिर चाहे वो ऐसे हो, लेटर हो, या कोई भी चीज़ हो, या फिर वो लोग जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं ग्रामर के हिसाब से, तो उन सब लोगों के लिए जो है नाउन का सीखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये नाउन के बारे में छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि नाउन एक्चुअली है क्या। ओके जी, तो अब बात करते हैं नाउन के डेफिनेशन की, कि नाउन के एक्चुअली में डेफिनेशन है क्या, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की। तो नाउन की डेफिनेशन एक्चुअली में ये है कि नाउन आइडेंटिफाई पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज। नाउन जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी शख्स, चीज़, जगह या आइडिया को। एज यू नो, आइडिया के बारे में जो है हम थोड़ा लेट बात करते हैं जब एग्जांपल्स की बात हो रही हो, तो एग्जांपल से समझाऊंगा आइडिया को। अभी आसान डेफिनेशन जो है उसको समझ लेते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो को बच्चे भी सुन रहे हैं, दैट्स वाई कि मैं थोड़ा आइडेंटिफाई को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा। आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे ये होगा कि किसी भी चीज़ को पहचानना, किसी भी चीज़ को जानना, कि आपने अगर किसी चीज़ को पहचान लिया, जान लिया, तो इट्स मीन कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। मिसाल के तौर पर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और एक साहब जो है आपसे ये बोलते हैं कि भाई आप कहाँ पर रहते हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको किसी भी जगह का नाम बताएंगे या किसी भी शहर का नाम बताएंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप उस साहब को ये कहेंगे कि मैं लाहौर में रहता हूँ। तो आप बेसिकली लाहौर क्या है, लाहौर उस जगह का नाम है जिस जगह पर आप रहते हो। तो उस जगह को आइडेंटिफाई किया हुआ है किस लफ्ज से या किस वर्ड से, वो वर्ड है लाहौर। तो लेट्स सपोज अगर लाहौर ही ना हो, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर रहते हो, उस जगह का नाम ही नहीं है कोई, तो और कोई साहब आपसे सवाल करे कि भाई किस जगह रहते हो, तो सोचो आप उसको क्या बताओगे। तो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हर चीज़ को हमने एक नाम दिया हुआ है और उससे हम उसको पहचानते हैं या फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक और फिर भी मिसाल दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में इस वक्त डिवाइस होगी जिस पर आप वीडियो देख रहे होंगे, और उस डिवाइस को या तो लैपटॉप कहते हैं या फिर मोबाइल कहते हैं। एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि इस डिवाइस का कोई नाम है, तो सोचो कितना गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। या फिर हम ऐसा करते हैं, हम अपने डेली लाइफ के अंदर आसपास आप देखो, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास के अंदर बैठे हो तो डेस्क होगा, पेंसिल होगी, रबड़ होगा, बैग होगा, विंडो होगी, छत पे पंखा लगा होगा। तो अगर आप देखो तो आपके आसपास हर जगह चीज़ें मौजूद हैं। तो वो सब की सब चीज़ें, फिर चाहे वो थिंग है, चाहे वो कोई इंसान का बच्चा है, या फिर कह लो जानवर का बच्चा है, कुछ भी होगा, वो सब का सब जो है उस सब के सब का एक नाम होगा, और उस नाम को बोलते हैं नाउन। तो आज आपको फील हो रहा होगा कि नाउन एक्चुअली कितना अहम किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अगर हम नाउन को ज़िंदगी से निकाल दें तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। खैर एनीवे, बात को सादा करते हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि नाउन की मदद से ही हम हर चीज़ को पहचानते हैं, हमने हर चीज़ का नाम रखा हुआ है, उसी नाम को बोलते हैं
नाउन। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो अब बात करते हैं नाउन की टाइप्स के बारे में। वैसे तो नाउन की जो है काफ़ी सारी टाइप्स हैं, कंपाउंड नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर मेन जो कैटेगराइज नाउन को जो किया हुआ है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इसकी बात करेंगे। और फिर मज़ीद जो है आगे एडवांस लेवल पे जब ग्रामर को करेंगे तो तब जो है ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नाउन को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, नंबर वन कॉमन नाउन और नंबर टू प्रॉपर नाउन। अब सवाल ये पैदा होता है कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बाद जो है इकट्ठा इन दोनों को जो है वो समझेंगे। तो अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूँ तो कॉमन नाउन बोलते हैं कॉमन नाउन्स नेम जनरल पीपल प्लेसेस थिंग्स एंड आइडियाज। तो कॉमन नाउन बोलते हैं जनरल, जनरल मतलब आम, आम शख्स चीज जगह या आइडिया को बोलते हैं कॉमन नाउन। और अगर प्रॉपर नाउन को भी साथ में पढ़ लेते हैं, प्रॉपर नाउन्स नेम स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस थिंग्स एंड आइडियाज। तो प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक, यानी वहां जनरल था आम, तो यहां पे स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक मीन क्या होगा, स्पेसिफिक का मतलब होगा खास। तो दोनों का अगर कंबाइन करके मैं समझाऊं तो वो कहना ये चाहता है कि कॉमन नाउन के अंदर जो है किसी भी आम शख्स चीज या जगह आइडिया को बोलते हैं कॉमन नाउन, और खास स्पेसिफिक, खास मखसूस शख्स चीज जगह या आइडिया को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगर मिसाल के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दो लाइनें नजर आ रही होंगी। फर्स्ट लाइन जो है वो कॉमन नाउन की है और सेकंड लाइन जो है वो प्रॉपर नाउन की है। तो पहला वर्ड जो है आपको वो नजर आ रहा होगा कॉमन नाउन के अंदर, प्रेसिडेंट। तो अब लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूँ कि प्रेसिडेंट जो है हमारे बीमार हो गए हैं, तो क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए ऑटोमेटिकली ये सोचेंगे शायद हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो बीमार हो गए। लेकिन एक्चुअली गौर से सोचिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बीमार हो गए हैं, मैंने आपको ये कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो बीमार हो गए हैं। तो आपके माइंड को सवाल करना चाहिए कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट बीमार हो गए हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट तो बहुत सारे कंट्रीज़ में होते हैं, यूएसए का, अमेरिका का कोई बीमार हो गया, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का, किस का। तो प्रेसिडेंट से कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, प्रेसिडेंट हर कंट्री के अंदर पाया जाता है। दैट मीन कि ये कॉमन नाउन हुआ, नाम तो है प्रेसिडेंट बट क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे है बात क्लियर नहीं हो रही, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। इस बात को अच्छे से तब हम समझेंगे जब हम प्रॉपर नाउन के एग्जांपल समझेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ आरिफ अलवी साहब जो है वो बीमार हो गए हैं, अब आपके माइंड में फौरन आएगा कि ओहो हमारे जो पाकिस्तान है उनके प्रेसिडेंट जो हैं बीमार हो गए हैं। अब बिकॉज मैंने स्पेसिफाई कर दिया आरिफ अलवी, आरिफ अलवी इस दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर प्रेसिडेंट तो मौजूद हैं लेकिन आरिफ अलवी एक ही प्रेसिडेंट है जो सिर्फ पाकिस्तान का है। दैट मीन कि ये मखसूस है, स्पेसिफिक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ बराक ओबामा जो कि यूएस के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सॉरी एक्स प्रेसिडेंट थे, वो बीमार हो गए, तो बराक ओबामा, इट्स मीन के आपको पता चलेगा कि अमेरिका के बीमार हो गए। और तो इट्स मीन आसान लफ्जों में ये बात के जिससे आपको समझ में आ जाए, बात क्लियर हो जाए, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और जिससे बात अभी मुकम्मल समझ में ना आए और वो काफ़ी जगहों पे वो चीज़ सिमिलर पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। और ठीक इसी तरह इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं। दूसरी मिसाल है टीचर, तो कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि टीचर जो है भाई हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर स्कूल के अंदर मौजूद है। टीचर से कोई बात समझ में नहीं आती, अगर आप कहेंगे कि हमारा टीचर बीमार हो गया है तो इट्स मीन अभी भी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपका सिर्फ एक टीचर नहीं है किसी भी स्कूल या एकेडमी में, आपके एक से ज़्यादा टीचर हैं। तो टीचर इसलिए कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सर अली जो हैं वो बीमार हो गए तो आप समझ जाएंगे इट्स मीन के सर अली तो मेरा मैथ का टीचर है, दैट्स वाई के अगर वो बीमार हो गया तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो टीचर जो है वो कॉमन नाउन है और अली जो हो गया, सर अली जो हो गया या मिस्टर अली जो हो गया वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह लास्ट में जो है अगर ब्रदर की मिसाल लूँ तो ब्रदर जो है हर कंट्री के अंदर मौजूद है, हर घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि भाई हर जगह होते हैं।
लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं उस्मान, तो इट्स मीन कि मैं अपने भाई की बात करूं। किसी को मैं कहूंगा कि यार उस्मान बीमार हो गया, तो वो ये नहीं समझेगा कि इसका दोस्त बीमार हो गया या फिर इसका कोई दूर का रिश्तेदार बीमार हो गया। वो पहले यही समझेगा कि उस्मान बीमार हो, दैट मीन कि इसके जो भाई है वो बीमार हो गया। तो यही चीज़ थी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन जो किसी भी जगह मौजूद होते हैं, और प्रॉपर नाउन जो कि स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर देते हैं हम कि ये शख्स है, यानी प्रॉपर नाउन जो है बिलोंग करता है किसी भी मखसूस शख्स, चीज़, जगह या आइडिया के साथ। तो मज़ीद आगे चलते हैं इस चीज़ को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए। के जी, तो मज़ीद आगे चलते हैं। मज़ीद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, टिपिकली द फर्स्ट लेटर इन अ कॉमन नाउन इजंट कैपिटलाइज्ड। के जो भी कॉमन नाउन होगा, कोई भी लफ्ज़ अगर कॉमन नाउन होगा, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल यानी कि बड़ा कभी भी नहीं लिखेंगे। और अगली लाइन में वो ये बोलते हैं, द फर्स्ट लेटर इन अ प्रॉपर नाउन इज टिपिकली कैपिटलाइज्ड, और जबकि प्रॉपर नाउन इसके बरक्स जो है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा। तो ये याद रखिएगा कि कॉमन का फर्स्ट लेटर जो है वो ज़्यादातर स्मॉल होता है, और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है ज़्यादातर कैपिटल होता है। ओके जी, तो मज़ीद आगे चलते हैं। आपको स्क्रीन पर नाउन्स नज़र आ रहे होंगे प्लेसेस के लिहाज से, तो ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये छः के छः जो हैं वो नाउन्स हैं, लेकिन इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो कॉमन नाउन की है और जो सेकंड लाइन है वो प्रॉपर नाउन की है। तो पहला कॉमन नाउन होम टाउन है। अब होम टाउन कोई भी हो सकता है, उससे अच्छी तरह बात क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं सामने लिख दूंगा पाकिस्तान या फिर इसकी जगह मैं लाहौर लिख दूँ, तो एक चीज़ होगा कि क्लियर हो जाएगा मेरा होम टाउन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो पाकिस्तान, या फिर अगर सिटी के लेवल पे देखा जाए तो लाहौर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगले एग्जांपल की तरफ चलें, तो कंट्री लिखा हुआ है कॉमन नाउन के अंदर और सामने उसके पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो कंट्री मीन किसी से पूछे कि वो उसका कौन सा कंट्री है, तो कंट्री कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो अगर कोई इंसान कहेगा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ या मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो वो स्पेसिफाई हो गया। दैट मीन कि कंट्री सारे होते हैं, और अगर मैं पाकिस्तान इंडिया किसी एक का नाम लेता हूँ तो वो स्पेसिफाई हो जाएगा, दैट मीन कि वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी तरह ठीक थोड़ा सा आगे और चलें, तो एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट इस दुनिया के हर बड़े कंट्री के हर बड़े शहर के अंदर मौजूद होते हैं, तो एयरपोर्ट जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और जबकि अगर मैं कहूँ इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए लाहौर का एयरपोर्ट, तो वो स्पेसिफाई प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्लेसेस के लिहाज से नाउन्स की ये छः एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से तीन जो हैं वो कॉमन नाउन आपने समझ लिया और तीन जो हैं प्रॉपर नाउन के हिसाब से आपने समझ लिया। ठीक, इस तरह आगे चलें, तो नाउन्स की एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी, मज़ीद छः एग्जांपल्स, लेकिन ये सब के सब थिंग्स हैं। थिंग्स के लिहाज से आप समझेंगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट है स्पेस शटल, ये कॉमन नाउन है क्योंकि स्पेस शटल कोई भी हो सकती है, और सामने इसके चैलेंजर लिखा हुआ है, तो दैट मीन स्पेसिफाई हो गया कि मैं इस स्पेस शटल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मूवी, मूवी कोई भी हो सकती है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, कोई भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा गॉड फादर, तो इट्स मीन के स्पेसिफाई हो गया कि कहाँ से बिलोंग करती है और कौन सी मूवी है, दैट मीन के वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, इसी तरह कार्टून, कार्टून का लव वर्ड सुनने के बाद कुछ भी जहन में आ सकते हैं, किसी भी तरह के कार्टून जहन में आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, तो इस तरह जो है चीज़ों के लिहाज से भी आपको पता चल गया कैसे नाउन्स हो सकते हैं और कॉमन नाउन्स कैसे हो सकते हैं और प्रॉपर नाउन कैसे हो सकते हैं। ओके जी, तो अब आइडियाज़ की बात करते हैं। जैसे मैं वीडियो के शुरू में मैंने कहा था आइडियाज़ पे आगे चल के बात करेंगे, तो आइडियाज़ जो हैं वो भी नाउन के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको देके चला जाऊँगा ताकि आप लोगों के माइंड में ये रह जाए। कोई भी आइडिया होता है उसका ताल्लुक हमारी इमेजिनेशन, हमारे ख्याल से होता है, तो ख्याल के अंदर भी जो चीज़ होती है उसको हम नाउन कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर जैसे कि आपको पहली मिसाल जॉय नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन के बहुत ज्यादा स्माइल है उसके फेस पे या बहुत ज्यादा खुश है, तो आप उस खुशी को, उस मोमेंट को क्या वर्ड देंगे? तो आप कहेंगे कि जॉय, यानी कि उस उन लम्हात को आप जॉय का नाम देंगे, या उन ख्यालात को, उन जो आपके माइंड में चल रही होगी, स्टेट ऑफ माइंड जो उस वक्त फीलिंग्स होंगी, उसको आप जॉय का वर्ड दोगे। तो इसलिए क्योंकि हमने आइडिया, ख्याल, इमेजिनेशन, कुछ भी समझ लो इसको, तो उसको अगर कोई नाम दें तो उसको भी नाउन ही कंसीडर किया
जाता है। अगर दूसरी मिसाल से मैं समझाऊँ, बोर्डम, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है और वो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो इस स्टेट ऑफ माइंड की या इस फिज़िकल कंडीशन को आप कैसे बताओगे कि फलां बंदा जो है इस वक्त मुझे बिल्कुल बोर नज़र आ रहा है। तो जैसे ही जब आप बोर्डम कहेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं कि फलां बंदा जो है वो बिल्कुल बोर नज़र आ रहा था, तो आप सुनने वाला समझ जाएगा कि इट्स मीन के वो थोड़ा सा थकी हुई हालत में जो है वो नज़र आ रहा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बोर्डम जो है वो भी ताल्लुक़ रखती है हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ, फीलिंग्स के साथ, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें एक वर्ड चाहिए होता है जिसे बोलते हैं बोर्डम, और इसलिए इसको कहेंगे नाउन। और लास्ट में अगर लिबर्टी को रिप्रेजेंट करूँ, लिबर्टी बोलते हैं द स्टेट ऑफ बींग फ्रीडम, आज़ाद होने की स्टेट जो होती है, हालत जो होती है, उसको बोलते हैं लिबर्टी। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल पिंजरे से शेर निकल के आ गया, तो पिंजरे में जो शेर की हालत थी वो अब नहीं है जब वो पिंजरे को तोड़ कर या खोल कर बाहर निकल कर आ गया, वो अब आज़ादी महसूस कर रहा है, फ्रीली महसूस कर रहा है। तो उस वक्त जो किसी भी एनिमल की या आज़ाद होने के बाद जेल से किसी भी कैदी की जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसको जब उस स्टेट ऑफ माइंड को जब वो वर्ड देगा, तो वो वर्ड लिबर्टी निकल के आता है या फ्रीडम निकल के आता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नाउन। तो यहाँ से हमें इन तीन एग्जांपल्स एक बात समझ में आई कि नाउन ना सिर्फ पीपल, प्लेस और थिंग्स होते हैं, बल्कि आइडियाज़ का नाम भी होता है, और आइडियाज़ वास्ट थिंग है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टेट ऑफ माइंड्स आ जाती हैं। तो आई होप इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मज़ीद आगे चलते हैं। ओके जी, तो अब हम समझेंगे कि सेंटेंस के अंदर नाउन जो है वो कितना अहम किरदार अदा करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दो वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे वॉक्स अराउंड लिखा हुआ है, स्टॉम्प्ड ऑन लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जैसे पहली लाइन है वॉक्स अराउंड, तो आपको पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा है, आपको सही मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इनको अच्छे से जाहिर करने के लिए जो है हमें नाउन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं नाउन इंक्लूड करूँगा इन वर्ड्स के साथ, तो आपको इनको मीनिंगफुल बन जाएंगे ये वर्ड्स, और आपको बात समझ में आएगी कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि वॉक्स अराउंड के आसपास शुरू में जो है मैंने अली लगा दिया और एंड में जो है मैंने अपार्टमेंट लगा दिया, तो आपको पूरी लाइन जो है अब समझ में आ रही है कि अली वॉक्स अराउंड हिज अपार्टमेंट, यानी कि अली जो है अपने अपार्टमेंट के आसपास जो है वॉक कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन जो है किस तरह से सेंटेंस को ना सिर्फ कंप्लीट करता है बल्कि उसको मीनिंगफुल बनाता है। विदाउट नाउन जो है सेंटेंस ना होने के बराबर है। जबकि दूसरी लाइन जो है अगर उसके स्टार्ट में मैं अलीज लगा दूँ, अलीज गर्लफ्रेंड लगा दूँ, और लास्ट में जो है मैं हार्ट लगा दूँ, तो वो मीनिंगफुल लाइन बन जाएगी। क्या मीनिंग बनेगा? स्टॉम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेदर्दी के साथ तोड़ना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना, इस किस्म का मीनिंग होता है इसका। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, अलीज गर्लफ्रेंड स्टॉम्ड ऑन हिज हार्ट, अली की जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसके दिल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। तो आई होप इस एग्जांपल या इस सेंटेंस की मदद से भी आप समझ गए होंगे कि नाउन जो है कितना अहम किरदार अदा करते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को कम्प्लीट करने के लिए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला, एवरी सेंटेंस नीड्स अ नाउन। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर नाउन के बिना जो है बात कही जा सकती है, लेकिन वो शॉर्ट कमांड्स होती हैं, उनको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर लीव, स्टॉप यानी कि रुक जाओ, छोड़ दो, तो यहाँ पर हमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे कि यू लीव, तुम छोड़ सकते हो, तुम जा सकते हो, तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज सेंटेंसेस के अंदर नाउन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जितनी भी वीडियो थी सारे को अगर समराइज़ किया जाए, तो हमने आज की वीडियो से क्या सीखा? हमने सीखा कि नाउन आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, दैट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़, और ये रिप्रेजेंट करते हैं जगहों को, लोगों को, चीज़ों को और आइडियाज़ को। और दूसरे नंबर पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कॉमन नाउन्स क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। और लास्ट में हमने क्या सीखा? हमने सीखा एवरी सेंटेंस मस्ट इंक्लूड अ नाउन, हर सेंटेंस के अंदर जो है एक नाउन ज़रूर होता है टू बी कंप्लीट, इसे मुकम्मल करने के लिए, यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ शॉर्ट
कमांडिंग सेंटेंसेस, सिर्फ कुछ ऐसी कमांड्स हो सकती हैं या शॉर्ट कमांडिंग सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज मैक्सिमम पड़ती है। ओके जी, तो इस तरह से पहली वीडियो जो है हमारी वो आज मुकम्मल हो गई है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको नाउन अच्छे से समझा दूँ। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि नाउन को समझाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा के देखा है, उनको बात थोड़ी सी बताओ तो थोड़ी देर ही जहन में रहती है, लेकिन अगर किसी बात को डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर दो तो उनको उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। दैट्स वाई के उनको सामने रखते हुए मैंने ये लेक्चर कवर किया है। और अगर कुछ लोग इसको सुनने के बाद बोर हुए हैं तो आप लोग इसे डिसलाइक कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर जो है मैं पूरा पंजाब कोर्स, फिर चाहे वो मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, खुद अपलोड करने वाला हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद ये सब पढ़ा के या रिकॉर्ड करके कैसे अपलोड करूँगा, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स सी कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे ये लगा कि ये करना चाहिए और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं ये ज़रूर करूँगा। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो है नहीं जानते कि YouTube पे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हर बार जब मेरी वीडियो रिकॉर्ड होकर मैं अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर या आपके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए रेड कलर का, और इसके साथ एक घंटी बनी हुई है, उस घंटी को प्रेस कर दीजिए। घंटी को प्रेस करने से ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल पे टोन जो है, घंटी जो है, बज पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि किस चैनल की नोटिफिकेशन आया है। तो YouTube पे जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर बेल बटन दबाइए ताकि आप लोग उनसे कनेक्टेड रहिए। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।